किसी भी देश का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि देश में किस तरह की शिक्षा दी जा रही है। नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा जगत में एक क्रांति से कम नहीं है। अगर आप स्टूडेंट है, टीचर है या पेरेंट्स है तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। दोस्तों, मेरा नाम है राज शर्मा और आज हम नई शिक्षा नीति 2020 को जानेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल शर्मा टेक लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 देश की शिक्षा नीति में 34 साल बाद नए बदलाव किए गए। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब HRD मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। शिक्षा मंत्रालय जो कि बहुत सरल नाम है, नई शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी की पढ़ाई से लेकर उच्च शिक्षा तक कुछ न कुछ बदलाव किया गया है। इससे पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। इसके साथ ही सरकार ने तय किया है कि अब सकल घरेलू उत्पाद GDP का कुल 6% शिक्षा पर खर्च होगा। फिलहाल भारत में GDP का 4.43% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होता है। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और संभव हो सके तो 8वीं तक मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। तो यहाँ अब इंग्लिश और हिंदी भाषा की अनिवार्यता को खत्म करने की बात सामने आई है। आयोग ने शिक्षकों की ट्रेनिंग पर खास जोर दिया है। जाहिर है कि एक अच्छा टीचर ही एक बेहतर स्टूडेंट को तैयार करता है, इसलिए व्यापक सुधार के लिए टीचर ट्रेनिंग और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। नई शिक्षा नीति में स्कूल स्तर पर बदलाव। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से, यानी 5 साल का फाउंडेशनल एजुकेशन, 3 साल का प्रीपरेटरी, 3 साल का मिडिल और 4 साल सेकेंडरी लेवल पर स्कूलिंग कराई जाएगी। फाउंडेशन स्टेज 5 साल के फाउंडेशनल एजुकेशन में पहले 3 साल बच्चे आंगनवाड़ी या प्ले स्कूल में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। उसके अगले 2 साल कक्षा 1 और 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। मोटे तौर पर एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर ध्यान रहेगा। इसमें 3 से 8 साल तक की एज के बच्चों को कवर होंगे। इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा होगा और किताबों का बोझ एकदम ना के बराबर होगा। प्रिपरेटरी स्टेज 3 साल के प्रिपरेटरी चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रैक्टिकल के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। इसमें 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। मिडिल स्टेज 3 साल के मिडिल स्टेज में कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं की पढ़ाई होगी तथा इसमें 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू किए जाएंगे। सेकेंडरी स्टेज 4 साल के सेकेंडरी लेवल में कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आज़ादी भी होगी। अब तक स्टूडेंट को 10th पास करने के बाद आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, वोकेशनल कोर्स को लेना होता था। साइंस वाले हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते या कॉमर्स वाले अपना पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ सकते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। कई अहम सुझाव है, जैसे साल में 2 बार परीक्षा कराना, 2 हिस्सों वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव और व्याख्यात्मक श्रेणियों में इन्हें विभाजित किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में रटने की आदत खत्म हो। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज़्यादा मार्क्स लाने के चक्कर में कोचिंग पर डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक, सेमेस्टर, मॉडुलर बोर्ड परीक्षाएं, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की स्थापना की जाएगी, जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी का काम करेगी। नई शिक्षा नीति 2020 में कॉलेज स्तर पर बदलाव। देश के विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन के लिए NTA द्वारा एक कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम साल में 2 बार कराए जाएंगे। बैचलर डिग्री 4 साल की जाएगी, हालांकि 3 साल का भी विकल्प रहेगा। जो स्टूडेंट बीच में कोर्स छोड़ेंगे
उन्हें भी क्रेडिट ट्रांसफ़र और एक ब्रेक के बाद अपनी डिग्री पूरा करने का मौका मिल सकेगा। 12वीं के बाद कॉलेज स्तर पर 4 विकल्प होंगे। 4 साल के बैचलर कोर्स में पहला साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट, 2 साल पर एडवांस डिप्लोमा, 3 साल पर बैचलर डिग्री और 4 साल पर रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री कोर्स पूरा कर सकते हैं, यानी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प रहेगा। अगले 15 साल में कॉलेजों को डिग्री देने की स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। कॉलेजों के लिए यूनिवर्सिटीज से मान्यता की जरूरत नहीं होगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी खत्म किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए निजी संस्थानों में फीस कैप लगाने का प्रस्ताव रखा गया है, यानी अधिकतम फीस तय की जाएगी, तो अब ऐसे में स्कूल कॉलेज वाले मनमानी फीस नहीं वसूल कर सकेंगे। विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी में से कुछ को भारत आने का प्रोत्साहन दिया जाएगा। शेष भारतीय संस्थानों को वैश्विक बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। इसके साथ यहाँ पर देखा जाए इस शिक्षा नीति में हमारे और भी कई सारे सवाल हमें यहाँ पर देखने को बनते हैं। फिलहाल देखा जाए शिक्षा नीति में कई सारे हमें बदलाव देखने को मिलेंगे। हमारे कई सारे सवाल है जवाब हमें मिलने बाकी है, तो आने वाले टाइम में हमें कहते हैं कि उन सवालों का जवाबों का इंतजार रहेगा कि हमें हमारा पर इस शिक्षा नीति में और किस तरह के हमें बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा टेक सेंटर को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।